अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अबरार। आप सभी का हमारे चैनल क्रिकेट 02.0 पर एक बार फिर से वेलकम हो गया। नेदरलैंड ने जो है वो वर्ल्ड कप साल सन 2023 के लिए जो है वो क्वालिफाई कर लिया है। आज नेदरलैंड ने जो है वो स्कॉटलैंड के खिलाफ अपना मैच खेला और वर्ल्ड कप साल सन 2023 के लिए जो है वो क्वालिफाई कर लिया है। वर्ल्ड कप के लिए जो वो 10 टीमें दरकार थी, अब वो 10 टीमें पूरी हो गई हैं। नेदरलैंड और दूसरी श्रीलंका, ये दोनों टीमें वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब इसके अलावा ये भी फाइनल हो गया है कि पाकिस्तान अपना जो है वो पहला मैच जो है वो नेदरलैंड के खिलाफ खेलने जा रही है। क्रिकेट वर्ल्ड कप साल सन 2023 क्वालिफाई में नेदरलैंड ने दिलचस्प मुकाबले के बाद स्कॉटलैंड को शिकस्त दी और वर्ल्ड कप के लिए जो है वो क्वालिफाई कर लिया है। स्कॉटलैंड की उम्मीदों पर पानी फिर गया है और वो वर्ल्ड कप साल सन 2023 से जो है वो बाहर हो चुकी है। इस मैच में जो है वो स्कॉटलैंड ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 287 रन्स बनाए थे, जो नेदरलैंड ने जो है वो 6 विकेटों के नुकसान पर पूरे कर लिए थे। इस जीत के साथ नेदरलैंड वर्ल्ड कप में पहुंच गया है, जहां उसका पहला मैच पाकिस्तान से 6 अक्टूबर को जो है वो होने जा रहा है। पाकिस्तान अपना पहला मुकाबला जो है वो नेदरलैंड से खेलेगी 6 अक्टूबर को। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अपना दूसरा मुकाबला श्रीलंका से खेलेगी। ये मुकाबला जो है वो 12 अक्टूबर को जुमेरात के दिन होगा, जो कि हैदराबाद के वेन्यू पर होगा। इसके अलावा पाकिस्तान अपना तीसरा मुकाबला जो है वो अपने रिवायती हरीफ इंडिया के साथ खेलेगी, जो 15 अक्टूबर को होना है। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के स्टेडियम में पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आएंगी 15 अक्टूबर को। इसके अलावा चौथा मैच जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी, पांचवा अफगानिस्तान के साथ, छठा जनूबी अफ्रीका के साथ, सातवां बांग्लादेश और आठवां न्यूजीलैंड, और अपना आखिरी मुकाबला जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। अब जो है वो वर्ल्ड कप में पूरी 10 टीमें हो गई हैं, इनके जो 10 टीमें हिस्सा लेती हैं, अब कुल मिलाकर जो है वो 10 टीमें आईसीसी वर्ल्ड कप में पूरी हो गई हैं। वर्ल्ड कप जो है वो अब दिलचस्प होने वाला है काफ़ी, क्योंकि इस साल भारत में होना है वर्ल्ड कप। नेदरलैंड ने इससे पहले भी जो है वो क्वालिफाई किया था साल सन 2011 में, जहाँ नेदरलैंड ने जो है वो इंग्लैंड को जो है वो शिकस्त दे दी थी बुरी तरीके से। इस साल फिर नेदरलैंड ने जो है वो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर लिया है, ये भी वर्ल्ड कप इंडिया में ही होना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर क्रिकेट की न्यूज़ अपडेट आप तक घर बैठे पहुंचती रहे।